अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं बंगाल के जनता की मन की बात के तहत चाकुलिया विधानसभा के निसिंदरा बाज़ार में, और आइए जानते हैं कि यहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर के। तो सबसे पहले भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज कहाँ से हैं सर? मैं जो है निजामपुरवन। अच्छा, कहनिया निशंदरा से जी। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा निर्वाचन को लेकर के जो बिगुल है वो बज गया है, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तौर से अपने अपने तरीके से अपने प्रचार पे जुट चुकी है, क्या रहने वाला है यहाँ का माहौल? देखिए, यहाँ लाग भी एड़ी चोटी लगा ले, चाहे वो बीजेपी हो या TMC हो या कोई अदर पार्टी अवैसी हो, लेकिन हम लोग जो है यहाँ 34 वर्ष बामफ्रंट में रहे और हैं। जब तक हम लोग जो है यहाँ का जो है चकलिया जो पूरे हमारे वेस्ट बंगाल में मशहूर है, तो लाल माटी से मशहूर है। हम लोग यहाँ पहले रमजान को जिताए थे, उसके बाद हफीज को जिताए, आज जो है हमारे इलाका में ब्लॉक में जो है अली इमरान रमज आज विधायक हैं, वो हैं वो और हमेशा से रहेंगे। क्यों रहेंगे, कारण क्या रहने का? कारण भाई ये है, बताया जाता है कि उनके तरफ से ना तो कोई उन्नयन, ना विकास, ना कोई काम, ना कोई काज किया गया है, उनके तरफ से रहेंगे क्यों? ठीक है, उनके तरफ से सबसे ज़्यादा यूनियन ये है कि वो सांप्रदायिक जो है नहीं फैलाता है इलाका में। बाकी पार्टी जो है हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू यही बोल के वोट लेता है। ये जो है काम के लिहाज से जो है ये अली इमरान रमज, कहीं भी कोई मैटर हो, कहीं किसी का कोई गरीब का कोई अगर कुछ हो जाए, केस मुकदमा में पड़ जाए, तो वहाँ जाके वो खड़ा हो जाता है, चाहे वो गांव, मोहल्ला, टोला कहीं भी हो, फिर मतलब विक्टर ही रहने वाला। विक्टर ही रहेगा भाई यहाँ। अच्छा। चाहे लाख भी, या दिलीप घोष आ जाए, अमित शाह आ जाए, या फिर नरेंद्र मोदी आ जाए, लेकिन विक्टर को हिलाने वाला कोई नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, बामफ्रंट जिंदाबाद। 34 साल यहाँ पर बामफ्रंट ने हुकूमत की, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, उन्होंने भी 10 साल यहाँ पर हुकूमत की। अब इस बार जो बताया जा रहा है कि बीजेपी पूरे जोर शोर से है और वो ये दावा कर रही है कि 200 से ज़्यादा सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, तो अगर बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेती है तो फिर अकेले यहाँ विक्टर का रहने का क्या फ़ायदा है? देखिए, उनका ये ख्वाब है कि हम 200 सीट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ इस बार जो है मैंने खिचड़ी वोट होगा। बाम फ्रंट भी कम नहीं अपना एड़ी चोटी लगाएगा, TMC भी कम नहीं लगेगा, BJP भी कम नहीं, कोई भी एकता हुकूमत किसी का नहीं होगा यहाँ जो है मैंने लेके, कि मैंने 3-4 पार्टी लेके एक मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये कहेगा कि बीजेपी हम 200 सीट से ज़्यादा लाएंगे। आप कह रहे हैं कि मतलब अपने बूते पे कोई सरकार नहीं बना पाएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अपने बूते पर कोई सरकार बना नहीं पाएगा, किसी का समर्थन से या किसी को साथ लेकर के ही बनाना पड़ेगा। हाँ, बनेगा। अब एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, इनसे दो बातें करते हैं आगे। ये क्या नाम हुआ आपका? वहाब। वहाँ कहाँ से हैं आप? कहानिया से। अच्छा, तो जो बातें अभी भाई साहब बता रहे हैं, कितना सहमत है भाई साहब की बातों से? बिल्कुल पूरा सहमत है भाई। हाँ। विक्टर के अलावा कोई नहीं, मतलब दोबारा MLA होगा। हाँ, विक्टर जो है वही रहेगा। क्या देखा आपने विक्टर के अंदर? लोग तो कहते हैं कि वो बस वोट लेते हैं और निकल जाते हैं कलकत्ता, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बस 5 महीना पहले एक्टिव हो जाते हैं। विक्टर के अंदर वो खासियत है जो बामफ्रंट में, इसलिए जो है वो अभी तक ठिका हुआ है कि उसके अंदर एक खासियत है, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, चाहे वो कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, हाँ, इलाके में, हमारे इलाके में कुछ भी हो जाए, वो तुरंत हाजिर हो जाता है। अच्छा। उसके अंदर ये खासियत है, हाँ, वो जानता है कि हमारे वहाँ क्या मतलब जो है परेशानी है, क्या है नहीं है, हाँ, वो सब उससे बेहतर कोई नहीं जानता, वो लोकल है हमारा, वही रहेगा भाई। चलिए, कहाँ घर हुआ चाचा? क्या नाम है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, क्या रहने वाला है आपके इधर इस बार? विक्टर रहने वाला है। अच्छा, विक्टर ही? विक्टर रहने। अच्छा, और दूसरा कोई नहीं? नहीं। अभी तृणमूल कह रहा है कि हम भी देंगे घोड़े छुआ। घोड़े छुआ सबको? तो हाँ, घोड़े छुआ सबको। नाम हो भैया आपका? तौसिफ राही। कहाँ से हैं आप? निजामपुर ग्राम पंचायत जी, कहानिया वेस्ट बंगाल। तो अभी जिस तरह से भाई साहब लोग बता रहे थे कि मौजूदा विधायक अली इमरान रम्स गुज़िश्ता 3 बार से विधायक हैं और वही यहाँ पर रहने वाले, कितना सहमत है आप उनसे? मैं तो यही जानता हूँ कि जब तक मेरा पीरी थे, आज तक हम लोग ने बामफ्रंट ही किया है। अच्छा। और आगे चलकर इंशाल्लाह अगर हम लोग खयाल से रहे तो हम लोग भी बामफ्रंट ही करेंगे। आज ये तृणमूल हुआ और उसके बाद जो है अभी OBC, उसका IMI का जो इतना चर्चा चल रहा है ना, और इधर से जो BJP अभी जो आ रहा है हमारे बंगाल में, आज BJP ने कितना कुछ कर दिया है,
अभी 2017 से लेकर 2020 तक पब्लिक को वो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। लेकिन पब्लिक के अंदर इस चीज़ का समझ में आ जाए कि अभी जो ये मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहा है या उनके पार्टी से जुड़े हुए कर रहा है, अभी लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, इससे आदमी को कितना परेशानी हुई है। लेकिन हम यही कहेंगे सारे आम पब्लिक से और इस लाइव वाले को देखने से कि जहाँ तक हो सके कि अपना MLA या अपना जो है MP या अपना जो है ये चुनो तो ऐसा चुनो कि वो आगे चल के हमको काम में आए। क्या आज जैसा कोई आम पार्टी आ गया, आज वैसे अगर हमारे वेस्ट बंगाल में आ जाए, क्या वो जीत जाएगा? तो अगर कोई काम के लिए ज़रूरत पड़े तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद जाना पड़ेगा। और हमारे लोकल अगर कोई जीत जाते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर हम उनके यहाँ नहीं भी पहुँचे और फ़ोन घुमा दें तो वो फ़ौरन यहाँ होकर हाजिर होगा। तो उससे बेहतर ये है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको यहाँ इस आदमी को जिताना है कि जो हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहे। बात जो निकल कर सामने आती है कि अली इमरान रम्ज़ विक्टर जो विधायक 3 बार के हैं, लेकिन राज्य में बाम फ्रंट की सरकार नहीं है, उस बिना पर वो कोई उन्नयन नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनका दावा है कि सरकार हमें काम नहीं देती है, अगर हम काम करने जाते हैं तो हमको बोलता है कि तृणमूल ज्वाइन कर लो, इस तरह की कई बातें अब वो सच बता रहे हैं या ये ढकोसलाबाजी कर रही है वो जाने, लेकिन उन विकास के तौर पर देखिए मैं ये कहता हूं क्या है यहां पर राजनीति एक ऐसा चीज है कि हम आम पब्लिक समझ नहीं पाएंगे। जिस तरह अभी मोदी इलेक्शन के समय उससे कहा कि वोट होना चाहिए किसमें, पेपर में, वो वोट किया किसमें, मशीन में। इधर अभी यूपी में जो वोट का इलेक्शन चल रहा था, मैं यूपी में इलाहाबाद में रहता हूँ, उधर ही मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी यूपी में क्या हुआ था, जिस तरह जो है हाथी छाप को लेकर जो है अभी उसका मायावती का था, फिर उसके बाद साइकिल छाप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का था, अभी जब इलेक्शन का समय आया था तो मोदी जी ने ऐसा ही किया था। हाँ, तो हमारे बंगाल में भी ऐसा करने वाला है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। और आज जो है 3 साल से जो इमरान जीतते हुए आ रहा है और हमारा MLA है और वही रहेगा, वही जीतेगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको चाकोलिया विधानसभा के निसिंदरा बाज़ार से कुछ तस्वीरें कुछ लोगों से बात करके आपको दिखा रहा था। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ। चाकोलिया टाइम्स के लिए निसिंदरा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।